खीर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। आज बेरमो में क्या नहीं है बताइए। आज हमारे पटने के कारण हमारे पास कुछ नहीं है। आज बेरमो में क्या नहीं है, अरे नजर उठा के देखिए। बेरमो यानी BTPS, बेरमो यानी CTPS, बेरमो यानी CCL, बेरमो यानी DBC, बेरमो यानी अनगिनत कोयला के खदान, बेरमो यानी कोयला, बेरमो यानी बालू, बेरमो यानी बिजली, बेरमो यानी तरह तरह के मिनरल्स। गलत बोल रहे हैं। बेरमो विधानसभा से आते हैं चुन के, तो याद रखिएगा अगर 1000 को हवा चलेगा तो 1000 को आदमी को होगा, ना कि अनूप सिंह का अकेले होगा। अगर बेरमो की नियति में, यदि बेरमो की नियति में कोयले की कमाई रखी है तो कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंडी धुआं नहीं कोयले की कमाई की हकदार होंगे। यदि कोयले की कमाई झारखंड की नियति है तो आज मैं कहना चाहूंगा कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंड के लोग धुआं नहीं कोयले पे अधिकार जमाएंगे, इस बात की गारंटी है। जिनसे लड़के हमने झारखंड राज लिया है उनके वंशज अनूप सिंह और रविंद्र पांडे यहाँ क्या कर रहे हैं, भाई कौन है रविंद्र पांडे जी, कौन है मानव सिंह जी, कौन है बताइए, मानव सिंह कौन है भाई, गया के नेता, गया झारखंड में नहीं आता है, कहां आता है मुझे नहीं मालूम। मानव सिंह गया का नेता, रविंद्र पांडे औरंगाबाद का नेता, तो बेरमो में कैसे जीत के जाएंगे भाई, जाएंगे। आप सुन लो झारखंडियों, एक बात साफ साफ कहेंगे झारखंड वासियों को, यदि आपको जयराम महतो पसंद नहीं लगता है, यदि आपको जयराम महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है आप नोटा में बटन दबा देना, लेकिन अनूप सिंह रविंद्र पांडे को क्यों जाएगा भाई। 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है, यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी को अगर वोट करते हैं तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादाओं के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादाओं को मारने पीटने वाले लोग कौन थे, पुलिस की लाठी जब हमारे बाप दादाओं के बदन पे पड़ता था वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे, अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लात जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों में से थे। क्या गलत कह रहे हैं कहिए झारखंडियों, क्या गलत कह रहे हैं। आज यही बेरमो दामोदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दास्तां, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारा कितने हैं यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो सुनील महतो ने शहादत दिया, अरे भाई तो मारने वाला कौन। हाँ हमारे बाप दादा मरे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन, जान लेने वाले कौन, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे, ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनूप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूँ, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान लिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई, हमने गर्दन कटाई उन्होंने गर्दन
कहते हो कि हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो बेरमा में जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनंत सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, आप झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। बिल्कुल, आज 24 साल के बाद कोई बेटा आपसे साफ साफ कहता है आपको जरा मतो नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनुप सिंह को वोट करते हैं झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, सर्व कीजिए, झारखंडी होने पे आप सर्व कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ जाके आपने संघर्ष किया, आज उन लोगों को अपनी सत्ता दे दिया, जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादाओं ने गर्दन कटाया आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे, आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। अरे भाई, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनुप सिंह जी, क्या झारखंड की सेवा करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी भित्री करता है, अरे कौन कहता है बाहरी भित्री, इसी धनबाद लोकसभा से 3 बार के सांसद थे कॉमरेड एके राय, आज भी उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, 1 बार नहीं 3 बार एमपी थे, 3 बार विधायक थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा 1000 को हैबा खरीदा, न अनुप सिंह के जैसा दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचा, उन्होंने कॉमरेड एके राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ तो उससे पहले वो आए थे, भारत आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले कॉमरेड एके राय धनबाद में आके बसे थे, लेकिन आज भी धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता कॉमरेड एके राय को माथा झुका के प्रणाम करती, क्यों न उनको जो विधायक का पेमेंट मिलता था, उनको जो सांसद की सैलरी मिलती थी उसमें सुनते हैं 500 रुपया रखते थे चाय पीने के लिए, खैनी बीड़ी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में दान करते थे, हम आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया, 5 बार सांसद, बेरमा में तो जमीन है ये है, तोप चाची में आपने सुना आपका वाटर बोर्ड, तोप चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड, वाटर बोर्ड में वो जंगले खरीद लिया है रविंद्र पांडे, और आप बोलेंगे इनकी तुलना हम कॉमरेड एके राय से करें, आप बोलेंगे एके राय के तर्ज पे इनको माने नहीं मानेंगे, इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है, इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है, आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाइएगा तोपचाची प्रखंड का पावापुर पंचायत, अपने पूरे गांव का जमीन खरीद लिया है, 2 पब्लिक स्कूल बनाया है, 1 हॉस्पिटल बनाए हैं, पूरा आधा सतकीरा का जमीन खरीद लिया है, और आप कहेंगे इनको हम माने, आप वही साथ हैं, दीदी खड़ी है, आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए हैं, इसलिए लड़ाई बाहरी भित्री की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने पे गर्व करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, ए बोका झारखंडी, कम से कम अनुप सिंह और रविंद्र पांडे से सीखिए, जब लोकसभा का वोट होता था, जब लोकसभा का वोट होता था बैरमो के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है, कमल छाप में, रविंद्र पांडे साहब को, और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था वही बैरमो के लोग कहां वोट दबाते थे मालूम है, हाथ छाप में, अनुप सिंह के पिताजी को, अनुप सिंह के पिताजी को, वही जनता, वही बैरमो की जनता, लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में राजेंद्र, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, लेकिन झारखंड की जनता आज तक नहीं समझ पाई, झारखंड की जनता
इसीलिए आज बट रही है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। झारखंड के तमाम वर्ग, झारखंड के हर एक समाज को, झारखंड के बेरमो विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जो समाज वर्ग है, मैं आप सबको वचन देना चाहूंगा, चाहे वो जनरल सोसाइटी समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, हर एक समाज को, चाहे डीओ रहे या टेंडर रहे, आउटसोर्सिंग रहे, हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि बेरमो की जनता ने यहाँ के झारखंडी बेटा को मौका नहीं दिया। बेरमो की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए श्रीमान योगेश्वर महतो बाटोल जी को मौका दिया। बाटोल जी हमारे अभिभावक हैं, भले उनका टिकट कटा है, पार्टी अलग है, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप है। सेहत खातिर तो बोलियो, हम आँख से आँख मिलवे खातिर ना लियो। इसलिए आज आप सुन ले, आज साफ साफ बोल देबो, देखनी चूंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के रहे, चाहे पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी है, हर कोई समाजवाद का पक्षधर है, हर कोई सामाजिक न्याय का पक्षधर है। बताइए, क्या रविंद्र पांडे और अनुप सिंह सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, समाजवाद के पक्षधर हैं? अगर समाजवाद के पक्षधर हैं, तो रविंद्र पांडे जी से कहिए, जितना हाइवा आपके अधीन है बेचिए, जनता को पैसा दीजिए। अनुप सिंह से कहिए, जहां जहां घर है प्रॉपर्टी नीलाम कीजिए, पैसा जनता को दीजिए। कितना बेवकूफ बनाएंगे, यही रविंद्र पांडे 5 साल से सांसद रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। 5 साल से सांसद रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। बेटा को टुंडी से विधायक लड़ाया, जब बेटा हरा तो पप्पा बोला बेटमो से लड़ दे। रिजेक्टेड आदमी। बताओ, और अनुप सिंह वोट लिए किन से? सभी वर्ग से लिए। आदिवासी समाज ने भी वोट झाड़ के दिया गुरुजी के नाम पे। आज आदिवासी समाज यहीं पे लोग हैं। बताइए, झारखंड राज्य में जो आदिवासियों का दमन और दोहन हुआ था, किन लोगों ने किया था? यही अनुप सिंह के विचारधारा से सहमत रखने वाले लोगों, इन्हीं लोगों ने दोहन किया था। आज दुर्भाग्य की बात है, आप उनको वोट करते हैं। और एक बात कहेंगे, ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। 25% में हम लोग यूपी बिहार बंगाल को इन कोलियरी में निमंत्रण देंगे। 25% से 20% 15% में बाहर के लोग आए, रोजी रोजगार करे, कमाए, खाए, स्वागत उनका। 75 से 85 झारखंड के मूल निवासी, 75 से 85 झारखंड का मूल निवासी, ये हमारी कार्य
प्रणाली रहेगी। किसी बारी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। वो शोषण करने वाला झारखंडी हो या अनूप सिंह या रविंद्र पांडे हो, हमारी लड़ाई शोषण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जुल्म और सितम के खिलाफ है। और सुनिए झारखंड के लोगों, चूंकि समय समाप्त होने वाला है, परमिशन का टाइम हो गया है, एक बात अंत में यही कहेंगे, उड़ीसा में 5 मिनट है, उड़ीसा में आज नवीन पटनायक की सरकार को उड़ीसा के लोगों ने बदल दिया। नवीन पटनायक 20 साल से मुख्यमंत्री थे, क्या बोल के बदला मालूम है कि नवीन पटनायक तमिलनाडु के गैरमो विधानसभा केवल चुनाव नहीं है, ये 1970-80 का वो दौर है जब हमारे बाप दादा पुलिस की लाठी खाते थे अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए। गैरमो का चुनाव केवल चुनाव नहीं है मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, ये गैरमो का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, गैरमो का चुनाव आपकी अस्मिता का सवाल है, आपके स्वाभिमान का सवाल है, अलग झारखंड राज्य के निर्माण का सवाल है। आज आप बताइए, आप बताने का कष्ट करेंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी आज बताएंगे, झारखंड के दलित, झारखंड के शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक चाहे स्वर्ण, आज झारखंड का हरेक समाज बताएगा कि झारखंड अलग राज्य क्यों किया गया था। आज हरेक समाज हमको बताएगा कि झारखंड अलग राज्य क्यों किया गया था, और यह भी बताइए किसके विरुद्ध किया गया था, किसके विरुद्ध हमने झारखंड राज्य लिया था। अरे हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद कराया था, कराया था ना, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद कराया था, तो झारखंड राज भी हमने गैर झारखंडियों का जो अन्याय शोषण जुल्म उसके खिलाफ जाके झारखंड राज लिया था। इनके पंडित को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए थे, बनाना चाहते थे, उड़ीसा के लोगों ने नवीन पटनायक जैसे नेता को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उड़ीसा की संस्कृति से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हम लोग झारखंड की संस्कृति से समझौता कर जाते हैं, और अंत में यही बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना घूस लगो घूस घूस, मैया सम्मान योजना घूस लगो घूस लगो, लेमन जूस लगो आकाश लगो कुछ ना लगो, मैया सम्मान योजना घूस लगो। कैसे मालूम हो, आंगनबाड़ी में काम करे वाली बहन के पेमेंट 1 साल से बाकी है, भात रांधे वाली बहनिया के पेमेंट 1 साल से बाकी है, जल सहिया के पेमेंट 6 महीना से बाकी है, स्वास्थ्य सहिया के पेमेंट 3 महीना से बाकी है, पोषण सखी के पेमेंट 4 महीना से बाकी है, जे खटल है ओकर टकवा दिए में बॉल लागल है फ्री में घुस गए। आप बदले में की करते मालूम हो, नौकरी बेच तो अभी बेच लो ना, ठीक अनूप सिंह के लगो, हेमंते सोरेन के साधु लगो ना, हेमंते सोरेन के साधु लगो, हेमंत सोरेन के साधु लगो, आज तोरा 1000 रुपया दलो और अनूप सिंह के की दल है कोयला, अभी 2 रुपया 2000 और 2 लाख के ना है, सैकड़ों करोड़ एक दिन में 1 करोड़ यानी 1825 दिन में 1825 करोड़, यदि वो पैसवा अगर वो पैसवा एक और नौजवान के एक दिन में 1000 रुपया देवे ना तो 10,000 लड़का के नौकरी मिल जाती, 10,000। और ट्रांसफर पोस्टिंग कोयला सारा काम अनूप सिंह देखो, तो सारा सिपाही अपन ले, और एक बात सुन ले, और एक बात एकदम
एकदम नया नया सुन ले झारखंडी, अगर स्वाभिमान जागल होते तो नया बात सुन ले। अरे झारखंडी, बेरमो के चुनाव जात पात और धर्म में मत कर, देखने के दियो के विदाई कर ले और ओकर बात करिए तेली मंडल कुर्मी अंसारी रजवार घटवार सिंह ब्राह्मण सब करियो, देखने के विदाई कर ले ओकर बात करियो। अभी केवल और केवल विस्थापित के बात कर, कोलियरी में कोयला में अधिकार के बात कर, पर बाल बच्चा के रोजगार के बात कर, एकर अलावे कोई बात मत कर। इस बार झारखंड आर पार के लड़ाई लड़ते, इसलिए आज तोनी के साफ साफ कहो एगो मजेदार बात सुन ले। प्रभात जी, हाँ, अर्णव सिंह और रविंदर पांडे की कह रहे अभी मालूम हो, लेखनी के मालूम है कि जरम माप तो चुनाव लड़ रहा है, सब झारखंड के लोग गांव गरीब इनको वोट करेगा एक होके, अखनी 10-15 हजार बाहर के वोटर के गाड़ी दिए शुरू कर दलो, क्वार्टर खाली भय रहा लो पता कर ले डीबीसी में, क्वार्टर में बाहर के वोटर आए के रहतो, कहे ना अनुप सिंह के वोट ज्यादा भेवे, रविंदर पांडे के वोट ज्यादा भेवे, आप तो हनी के साबित करना हो कि झारखंडी आजादी चाहे कि आज भी गुलामी चाहे। अनुप सिंह तैयारी कर ले लो, हम लोग एक कल का न्यूज है, अनुप सिंह ने डीबीसी मैनेजमेंट को फोन किया है क्वार्टर के लिए, कहे मालूम है ना वहां झारखंड से बाहर, अब सोच लेना बिहार बंगाल यूपी कुछ भी, झारखंड से बाहर का वोटर आने का तैयारी है, झारखंड से बाहर का वोटर आने का तैयारी है। अब आए गलो सुन ले, आदे आए ले स्टार्ट भाई गलो, 20 दिन होते होते 10,000 वोटर आई, तो आप तो नहीं के तय करना हो बेरमो वासी के आजादी चाहे कि गुलामी चाहे, अगर आजादी चाहे सुन ले बेरमो वासी, अगर आजादी चाहे तो बगल में दामोदर नदी हो, दामोदर नदी के झारखंड वासी बहुत पवित्र माना है ना, तो आज दामोदर नदी के कसम खाए के प्रण ले के जो जकरे हम ना कहो, हमें जबरदस्ती अपन खातिर कसम ना खिये, वो हम ना बोले हो तो नहीं कसम खाए ले कि जयराम के वोट देना हो, अरे लौटा के दे दो, लेकिन गया और औरंगाबाद के नेता के इस बार ना देना। यदि दामोदर नदी से प्यार हो, आज दामोदर नदी के कसम खाए के जो हिंदू रहे मुसलमान रहे आदिवासी रहे हरिजन रहे पिछड़ा रहे जो भी है, आज दामोदर नदी को सुगंध लेके जाइए, दामोदर नदी से सुगंध लेके जाइए, अरे वोट 70,000 नोटा को दे दीजिए ना, आने वाला दिन बीजेपी और कांग्रेस का हिम्मत नहीं होगा कि गया और औरंगाबाद को टिकट देने का, यदि नहीं जयराम महतो पसंद है मत दीजिए, जयराम महतो अगर नहीं पसंद कर रहे हैं मत दीजिए, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, जिसको भी वोट देना है नोटा में दे दीजिए, लेकिन आज इन लूटने वालों को मत दीजिए, लूटने वालों को मत दीजिए, हम यही कहेंगे